अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो फिर एक और नई वीडियो के साथ कनेक्ट नहीं आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक अपने यूनिवर्सिटी के दौर के बहुत मशहूर स्पॉट पे कराची के खड़े हुए आयशा मंजिल। आयशा मंजिल और मक्का चौक भाईजान चौक के बिल्कुल सामने ये स्पॉट है और यहाँ आगा फालूदा, यहाँ पे हम लोग अक्सर आते थे और अंडे वाला बर्गर खाते थे। तो चिकन स्टेक यहाँ की बड़ी मशहूर है और अंडे वाला बर्गर तो कराची में आपको जिस तरह बिरयानी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, अंडे वाला बर्गर भी मिल रहा है। और यहाँ का अंडे वाले बर्गर की स्पेशलिटी है कि ये स्टिक बर्गर भी बना के देते हैं और इसकी एक जो चटनी और एक जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक मुनफरद है। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हाशिम साहब, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं सर? बहुत पुराने से आपके हाथ के बर्गर खा रहे हैं, ठीक है। तकरीबन जो है हम 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब यहाँ से हम यूनिवर्सिटी गुजरते थे तो खाते थे। तो आज ज़रा एक अंडे वाला बर्गर दो बना दें और दो स्टिक्स बना दें, प्लेट में खाएंगे पार्सल, प्लेट में बना दें। तो हम अपने नाज़रीन को दिखाएं आप कैसे बना रहे हैं और फिर कैसे जो इसका टेस्ट कैसा है वो बताते हैं। सही। और चिकन स्टिक भी बता निकाल दीजिएगा दो। अच्छा, इसकी प्राइस आप मुझे बता दें कितनी है? प्राइस अंडे वाला 75 का है। अंडे वाला 75 का। और स्टिक वाला लें अगर अगर स्टिक वाला बर्गर लें? स्टिक वाला 100 का है। स्टिक वाला 100 का है। ओके, कितनी स्टिक डलती है उसमें? और अंडा भी डलेगा अंडे के साथ? 125 का है। ओके। और खाली स्टिक कितने की है? 40 की स्टिक है। चलें, बहुत ज़बरदस्त। और आज हमने सोचा आज आपको भी दिखाएं ये कैसे बनाते हैं ये स्टिक और ये ज़बरदस्त। ये नाज़रीन ये तैयार हो गए। ये नाज़रीन या हमारा जो है वो पूरा एक एक आ गया। मुझे मेरे साथ देखें आप मौजूद हैं मुजीब साहब, बहुत टाइट। तो और बहुत ही ज़बरदस्त एक मुजीब साहब आपको रिव्यू देंगे। ये आ चुका है नाज़रीन। हाँ जी मुजीब, तो ये बर्गर मैं खाने लगा हूँ। मैंने तो बहुत टाइम पहले भी खाया है लेकिन आपको बहुत ही उम्दा टेस्ट है। जो 15 साल पहले टेस्ट था आज भी वही है। हम कब से खा रहे हैं ये? और ये इसकी चिकन स्टिक बड़ी ज़बरदस्त है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बता वही पुराना वाला टेस्ट आ रहा है। 40 रुपए की हो गई है अब ये। 40 रुपए की होगा लेकिन बेहतरीन है अभी भी। अगर आप खाते थे तो ये 20 रुपए की होती थी। 20 रुपए की और बहुत ही इकोनॉमिकली दोनों चीज़ें, चिकन स्टिक भी और अंडे वाला बर्गर भी। आप आएँ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और अंडे वाला बर्गर जो 75 का हो गया, लास्ट हम 35 रुपए का खाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हम लोग उस ज़माने से खा रहे हैं 35 रुपए के साथ। आप अंडे वाला आएँ और इन्जॉय करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, तो हमारा पुराना अंडे वाला बर्गर आ गया। तो 40 रुपए की जो है वो स्टिक है, आप बिल्कुल आप ले सकते हैं ये। और इसकी स्टिक का बर्गर भी बनवा सकते हैं, अंडे वाले भी बनवा सकते हैं। अगर आपको कबाब नहीं चाहिए तो ये स्टिक डलवा के आप अंडे वाला बर्गर भी बनवा सकते हैं। और मैं आपको बर्गर का रिव्यू दे देता हूँ, देखें बहुत ज़बरदस्त। अंडे वाला बर्गर तो कराची की पहचान है, जो कराची में रहता है और उसने अंडे वाला बर्गर नहीं खाया तो उसने कुछ नहीं खाया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई आज से जो पुराना टेस्ट है मुझे वही आ गया। अक्सर मैं आता रहता हूँ यहाँ पे और मैं खा लेता हूँ। जब मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है यहाँ से गुजर रहा होता हूँ तो मैं ये ज़रूर खाता हूँ। तो ये पुराना हमारा एक स्पॉट है, बेहतरीन है, कम पॉकेट फ्रेंडली है आप, और हल्का फुल्का है। आप एक बर्गर खाएँ, चाय पीने, कोल्ड ड्रिंक। मैं कहता हूँ 75 रुपीज़ का ये अंडे वाला बर्गर है, अंडा नहीं डलवाते तो 60 रुपये का हो जाता है। तो आप आएँ और यहाँ से चलते फिरते कभी हल्की फुल्की भूख लगे तो ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। लोकेशन मैं गाइड कर दूँ, आयशा मंजिल और मुक्का चौक के बीच में ये स्पॉट है, उल्टे हाथ से भाईजान चौक पे। तो आप यहाँ मेन आगा जूस है ये, उसी के साथ वो बर्गर भी दे रहे हैं और ये बहुत पहले से देते हुए आ रहे हैं बर्गर। तो अब आपको बताएं कैसी लगी हमारी ये वीडियो छोटी सी, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।